नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल एनडीए में चिराग पासवान हैं और जहां की कहे तो 11 लोकसभा सीटों पर अपना उन्होंने दावा ठोका है। दरअसल कौन कौन सी लोकसभा सीट है वो भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि 11 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान ने दावा क्यों ठोका है। दरअसल ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि उनके पास से एक पत्र निकल कर सामने आया है राजू तिवारी का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक पत्र जारी हुआ है जिसमें लोकसभा प्रभारी को नियुक्त किया गया है। वो भी 11 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रभारी का नियुक्ति हुई है, जहां पे लोकसभा के प्रभारी जाकर अपने संगठन को मजबूत करेंगे और लोकसभा के लिए तैयार करेंगे। दरअसल 11 लोकसभा सीटों के लिए चिराग पासवान ने कमर कस ली है और देखना यह होगा कि क्या उन्हें 11 लोकसभा सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन 11 लोकसभा सीटों पर वह अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं। प्रभारी को निर्देश भी दे दिया गया है कि अब जाइए और लोकसभा में जो क्षेत्र होते हैं वहां जाकर संगठन को मजबूत कीजिए। दरअसल तस्वीर में भी आप देखेंगे तो मेरे पीछे एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें आपको दिखेगा कि 11 सीटों पर प्रभारी जो होते हैं उसे नियुक्त किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत करने का निर्देश भी दिया गया है। यह राजू तिवारी का एक पेज है या तो कहे नोटिस है, वो वायरल हो रहा है। उसके अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं कि 11 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान का दावा कर दिया है। चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर दावा किया है, वो तस्वीर में भी आपको दिखेंगे। दरअसल कौन कौन से लोकसभा सीट है वो भी हम बताएंगे और किनको किनको प्रभारी उन लोकसभा सीटों पर बनाया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पूरी खबर आप देख लीजिए, उसके बाद ही हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीट जो है वो आपको बताते हैं, हाजीपुर श्री अरविंद कुमार सिंह को दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय सचिव भी हैं। जमुई की बात करें तो जमुई में श्री अमरनाथ सिंह उर्फ अमर कुशवाहा को नेतृत्व दिया गया है, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में सुरेश भगत को दिया गया है, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। समस्तीपुर की बात करें तो मिथिलेश निषाद हैं, जो कि प्रदेश महासचिव भी हैं। वहीं वैशाली की बात करें तो श्री राकेश कुमार सिंह हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। नवादा की बात करें तो नवादा में श्री अभय सिंह हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। गोपालगंज की हम बात करें तो गोपालगंज में श्री पशुराम पासवान हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वाल्मीकि नगर की हम बात करें तो श्री सुरेंद्र विवेक हैं और उनको प्रभार मिला है। बेगूसराय की हम बात करें तो बेगूसराय में श्रीमती इंदु कश्यप हैं। वहीं जहानाबाद की बात करें तो रामाश्रय शर्मा हैं। पूरी खबर आप देख रहे थे देसी न्यूज़ बिहार पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।